शादी के बाद मेरे पति ने कहा, तुम अपनी बहन का भी दिला दो, नहीं तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। उस वक्त मेरी बहन की उम्र 18 साल हो रही थी और वो मुझसे 2 साल छोटी थी। दोस्तों, मैं अपनी बहन के साथ ऐसा कभी भी नहीं कर सकती थी, और अगर मुझे अपने पति की ये सच्चाई के बारे में पहले पता होता तो मैं कभी भी उनसे शादी ही नहीं करती। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबको कुछ बता दूँ, मेरा नाम काजल है और मेरी उम्र 20 साल है। मेरी छोटी बहन की उम्र 18 साल की है और वो अभी अभी इंटर की पढ़ाई पूरी की है और कॉलेज में अपना नाम लिखवाई है। मेरी बहन सोनल दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत भी है। मेरे घर पर हम 4 लोग रहते हैं, बस 2 बहनें और मम्मी पापा। हम दोनों का कोई भाई नहीं है, जो भी है हम दोनों ही एक दूसरे के लिए भाई और बहन हैं। हम लोग की ज़िंदगी खुशी खुशी बीत रहा था कि अचानक मेरे घर पर, जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हुई, तभी मेरे लिए एक रिश्ता आ गया। वो रिश्ता मेरी बुआ लेकर आई थी। मुझे क्या पता था कि वो बुआ जिन्होंने मेरा रिश्ता लगाया उनका भी इसमें फ़ायदा है, इसीलिए वो ये रिश्ता लेकर आई हैं। अगर मैं ये बात जान जाती तो मैं ये शादी बिल्कुल भी ना करती। जब मेरी शादी हुआ था तब मेरा पति तो एक हफ्ते प्यार से रहा, फिर ना जाने उसको क्या हुआ कि वो बोलने लगा, तुम अपनी बहन का दिला दो। मैंने उसे बार बार पूछा, क्यों, क्या चाहिए, लेकिन वो एक ही जिद लगा रखा था। अब मुझे भी गुस्सा आ गया और मैं उनसे बोली, क्यों, आप मुझसे खुश नहीं हैं? अब मेरे पास जितना है मैं उतना ही दे पाऊंगी ना। तभी मेरा पति बोला, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैंने जो बोल दिया है वो तुम अच्छे से सुन लो, नहीं तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मुझे तुम्हारी बहन का चाहिए और अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। दोस्तों, जब मेरा पति मेरे घर पर पहली बार शादी का रिश्ता लेकर आए थे और मैं उनके लिए चाय लेकर गई थी, तो उन्होंने मुझे ना देखने की वजह मेरी बहन को ही देखा था। लेकिन बड़ी मैं थी तो परिवार वालों ने कहा कि देखो बेटा, अगर शादी करनी है तो तुम्हें काजल से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हम पहले इसी की शादी करेंगे, नहीं तो समाज हमको क्या बोलेगा कि पहले बड़ी बेटी की शादी ना करके छोटी बेटी की शादी कर दी। और वैसे भी सोनल अभी पढ़ाई कर रही है, हम लोग अभी उसकी शादी नहीं करा सकते और वो अभी छोटी है। मेरे पति को भी शादी की ज़रूरत थी क्योंकि उनके घर पर उनकी माँ और उनके पापा ही थे। उनकी माँ की तबीयत अभी ख़राब रहने लगी थी, इसीलिए किसी न किसी से तो उनको शादी करना ही पड़ता, इसीलिए उन्होंने मुझसे ही शादी कर ली। और शायद ये भी मन में सोचे होंगे कि अगर इससे शादी कर लूँगा तो फिर सोनल तो मेरी साली होगी और फिर मैं उसके साथ हंसी मजाक भी कर सकता हूँ। धीरे धीरे मुझे उनके इरादे पता लगे। खैर, अब मैं उनकी पत्नी थी और मैं वहाँ पर बहुत अच्छे से घर को संभाल रही थी। किचन से लेके पूरे घर का काम मैं ही देखभाल किया करती थी। मैं अपनी सासू माँ की भी बहुत सेवा करती थी। उनका परिवार तो मुझसे बहुत खुश था, जैसे उनके पापा और उनकी माँ। लेकिन मेरा पति मुझसे खुश नहीं था, ना जाने उसको मुझसे क्या चाहिए था। वो तो एक ही रट लगा बैठा था कि तुम अपनी छोटी बहन से मुझे दिला दो। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया कि बताओ मुझे क्या चाहिए। मैं हर दिन यही सोचती कि आखिर मेरी बुआ ने इससे शादी क्यों करवा दी। मेरी बुआ जिन्होंने ये शादी मुझसे करवा रखी थी, इन सब में उनका भी हाथ था और वो पहले से ही मेरे ससुराल वालों से मिली हुई थी। मेरी बुआ नाराज़ थी कि उन्हें मेरे पापा अब नहीं पूछा करते थे, क्योंकि वो बहुत लालची थी। पहले भी मेरे पापा के हिस्से में से वो अपना हिस्सा ले चुकी थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे समय बीता और फिर मेरी शादी हुई तो उन्होंने एक ऐसा रिश्ता मेरे घर पर दिया जिसे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अब शादी के बाद हर रोज मेरे घर पर कलेश होता, लेकिन मैं ये बात अपने घर पर नहीं बता सकती थी। आखिर किस मुँह से अपने घर पर बताती कि मुझे अपनी छोटी बहन का भी दिलाना है, क्योंकि मेरा पति मुझसे जिद कर रहा है। वो मेरी छोटी बहन थी और मैं उसे बहुत प्यार करती थी, बचपन से लेकर आज तक उसकी सारी जिद मैं पूरा की हूँ, लेकिन अब मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती थी। आखिरकार मैंने हिम्मत जुटा के अपने पति से कहा, देखो जी, आपको मुझे छोड़ना है तो आप मुझे छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं अपने घर पर ऐसा कभी भी नहीं बोल सकती। मेरा पति उसी टाइम कहने लगा कि ठीक है, जब तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं है, वैसे भी मैं यही देखना चाहता था कि तुम मेरे लिए इतना कर सकती हो या नहीं। अगर तुम हाँ कह देती ना तो मैं तुम्हें खुद ही ये सब करने के लिए मना कर देता, लेकिन तुम्हारे लिए तो मुझसे ज्यादा अपने परिवार वाले जरूरी हैं, इसीलिए मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। और फिर कुछ ही देर में मेरे पति डिवोर्स पेपर लेकर आया और अपना साइन करवा के मुझसे भी साइन करवा दिया। मुझे एक सेकेंड भी समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ, लेकिन फिर मुझे पता चला कि शायद वो डिवोर्स पेपर पहले से ही लेकर आए हो, तभी तो उन्होंने एक सेकंड नहीं लगाया डिवोर्स पेपर लाने में और तुरंत साइन करवा दिया। फिर मैं अपने घर वापस चली गई। अब मैं समझ गई थी कि अब मेरा पति मेरे साथ रहना नहीं चाहता।
जब मैं घर पहुंची तो मेरी छोटी बहन गेट खोली। वो मुझे इस हाल में देखकर बोले, क्या हुआ दीदी, आप रो क्यों रही हैं? फिर मेरे पापा ने पूछा कि क्या हुआ बेटा, बताओ मुझे, किसी ने तुम्हें कुछ बोला? मैंने अपने पति की सारी बात बताई। पापा, उन्होंने मुझे तलाक दे दिया और वो मुझसे मेरी छोटी बहन का हिस्सा भी मांग रहे थे जो उसके नाम का है। मैं अपनी छोटी बहन के साथ धोखा नहीं कर सकती। मेरे पापा ने मेरी बात समझी और कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, तुमने जो किया बहुत अच्छा किया, तुम आज भी हमारी बेटा हो और अब तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी के घर पर जाने की, तुम यहीं पे रहो बेटा, ये तुम्हारा भी तो घर है। मेरी छोटी बहन सोनल मुझे गले से लगा के रोने लगी कि मैं उसे कितना प्यार करती हूँ, कि उसके लिए मैंने अपने पति को छोड़ दिया। धीरे धीरे समय गुजरा और मेरा पति ने अपना लुक और हुलिया ही चेंज करवा लिया। वो बड़ी बड़ी दाढ़ी रखने लगा और अपना बाल भी अलग तरीके से कटवा लिया। अब वो पहचान ही में नहीं आ रहा था कि वो वही लड़का है जिसे मैं पहले मिल चुकी थी। खैर, जब मेरी छोटी बहन बड़ी हुई तो वही लड़का रिश्ता लेकर आया जो पहले मेरा पति था, लेकिन इस बार वो अपने सगे मम्मी पापा को ना लाकर और किसी को पैसे देके मम्मी पापा बनाकर लाया था। और फिर हमें कुछ पता भी नहीं चला। हमें लगा कि हमारी छोटी बहन है ही इतनी खूबसूरत तो शायद ये रिश्ता अपने आप से आ गया है। हमें बहुत अच्छा लगा कि उसके लिए रिश्ता ढूंढना भी नहीं पड़ा और रिश्ता खुद ही आ गया है। लड़का भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था तो फिर हमने उसकी शादी करवा दी। लेकिन जब वो शादी करके अपने घर गई तो फिर वहाँ का नज़ारा देख के वो घबरा गई। वहाँ पर मेरे सास ससुर थे, पहले जिसे मेरी शादी हुआ था, और मेरी छोटी बहन ये देख के हैरान हो गई क्योंकि उसने तो शायद मेरी शादी में उन्हें देखा था। उसने कहा कि आप दोनों यहाँ पर कैसे? तो उन्होंने कहा कि रोशन तो मेरा ही बेटा है। सोनल हैरान हो गई और वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसकी ज़िंदगी में भी ऐसा मोड़ क्यों आ गया। सोनल एक पल के लिए उस घर में ना रुकी और फिर तुरंत उसी रात दौड़ के अपने घर वापस आ गई। जब हमने उसकी हैरान भरी चेहरे को देखा तो फिर पूछा कि क्या बात है? उसने पापा से कहा, पापा, वो रोशन कोई और नहीं, दीदी का पति है। उसने अपना लुक चेंज करवा लिया है और वो दाढ़ी बड़ी और अपने बाल को अलग तरीके से कटवा के रखा है। उसके जो शादी में मम्मी पापा आए थे वो सगे नहीं थे। सोनल एक सांस में ही सब कुछ बता रही थी। मैं उसके घर पर गई तो वहाँ पर मेरी काजल दीदी के ससुराल वाले मिले थे। उनके मम्मी पापा, उन्होंने मुझे सच्चाई बताई कि रोशन उनका बेटा है। मैं उस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। मेरे पापा ने कहा, बेटा तुम डरो मत, मैं हूँ ना अभी तुम्हारे साथ, तुम्हारा बाप जिंदा है, तुम्हें एक चीज़ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पापा ने तुरंत रोशन के ऊपर केस किया और फिर रोशन तुरंत गिरफ्तार हो गया। रोशन जेल जाते टाइम हम दोनों से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन उस माफ़ी का क्या फ़ायदा, उसने तो हम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। अब कोई भी लड़का हम दोनों बहनें से शादी करने से पहले सोचेगा कि हमारी शादी पहले ही हो चुकी है। भले ही हम पवित्र क्यों ना हो, लेकिन किस्मत का खेल हमें भी नहीं पता था। जज साहब का एक लड़का जो उसी कोर्ट में बैठा था जब रोशन का केस चल रहा था, उसने मेरी ओर देखा तो फिर वो मेरी छोटी बहन के पास गया और फिर उनसे पूछा कि उनका नाम क्या है, तो उसने बताया कि वो मेरी दीदी हैं, उनका नाम काजल है और हमारा ही केस चल रहा है। उस लड़के का दिल इतना अच्छा था, हम सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने तुरंत मेरे घर पर रिश्ता भिजवा दिया और कहा कि आप बेफिक्र रहकर रहें और मैं आपको अपना पत्नी बनाना चाहता हूँ, क्या आप मेरा हाथ थामने के लिए तैयार हैं? मैं एक पल के लिए सोच में पड़ गई थी, मानो मेरे सामने ये सब मुझे अभी भी सपने जैसा ही लग रहा था। मेरे पापा ने कहा, बेटा तुम तो इतने बड़े घर के लड़के हो, हमारे पास इतना दहेज ही नहीं है हम दे पाए, पहले ही हम दो शादियां कर चुके हैं और दोनों में हमें बहुत तकलीफ झेलने को मिला। फिर मनीष ने उन्हें समझाया, पापा जी देखो, डरने की कोई बात नहीं है, इंसान गलत भी हो सकता है और सही भी। आपने उस टाइम गलत इंसान चुना, लेकिन इस बार आपको कुछ भी तकलीफ होगी और एक जज के बेटे होने पर हम लोग के ऊपर और भी गहरा असर पड़ेगा और इससे मेरे पापा की बदनामी होगी, तो मैं नहीं चाहूँगा कि किसी भी लड़की की जीवन बर्बाद करूँ और मैं अपने माँ बाप को नीचा दिखाऊँ। आप मुझ पर विश्वास करें, मेरे पापा को एक पल में ही वो लड़का पसंद आ गया और फिर मेरी शादी हो गई। उस समय बाद मेरी छोटी बहन की भी एक अच्छा सा रिश्ता आया जो कि वो डॉक्टर था। लेकिन इधर एक साल बाद ही उस रोशन जो हमारा पहला पति था उसका बेल हो गया और फिर वो जेल से बाहर आया तो फिर सीधा मेरे घर पे आ गया। फिर वो मुझसे माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि काजल चलो, मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मुझे तुम दोनों बहनों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे किसी का भी हिस्सा नहीं चाहिए, बस तुम चलो मेरे साथ। मैंने कहा, तुम्हारे साथ अब मैं कभी भी नहीं जा सकती क्योंकि अब मेरी शादी हो गई है। तो फिर रोशन ने कहा, लेकिन कैसे, अभी तो मैंने तुम्हें तलाक भी नहीं दिया है।
तभी मैंने कहा कि क्यों, तुम भूल गए? तुम्ही ने तो डिवोर्स पेपर लाकर दिया था और फिर मुझे साइन भी करवाया था, तो अब मैं क्या करती? फिर वो तुरंत पलट गया और कहने लगा कि सोनल कहाँ है, अब मैं उसके पास जा रहा हूँ। मैंने कहा, रोशन तुम देख लो, तुम आज भी नहीं सुधरे, तुम्हारे जेल में रहने से कोई फायदा भी नहीं हुआ, तुम आज भी वही हो और आगे भी ऐसे ही रहोगे। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, लेकिन अफसोस सोनल की भी शादी हो गया है और वो भी अपनी खुशी खुशी जिंदगी जी रही है और तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कुछ किए तो तुम्हें खुद ही जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि तुमने सोनल से धोखे से शादी किया था। रोशन अपने ऊपर बहुत शर्मिंदा हुआ और फिर वो वहीं बैठकर अपने सर पर हाथ रख लिया। उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं था, वो चुपचाप अपने घर की ओर चल दिया और मैं भी अपने घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर दिया। कुछ देर बाद मेरा पति आया और मुझसे पूछा, आज तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? तो मैंने उन्हें सब बताया। उन्होंने मुझे गले से लगाया और कहा कि घबराओ मत, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर मोड़ पर, हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मैंने अपने पति को कहा, धन्यवाद आप मेरी ज़िंदगी में आए, नहीं तो मैं और मेरी बहन की ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुका था। दोस्तों, अगर कोई लड़का आपको पत्नी बनाता है तो वो सिर्फ आपको पसंद करता है, ना कि आपके धन दौलत को। और अगर वो धन दौलत को पसंद कर रहा है तो फिर आप आवाज़ उठाएं। जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे और डरते रहेंगे, तब तक वो आप पर हावी होता रहेगा और आपको डराता रहेगा, ये करो वो करो। लेकिन जैसे ही आप अपना आवाज़ उठाएंगी, वो सब कुछ समझने लगेगा और उसे भी पता लग जाएगा कि हाँ, ये कुछ भी कर सकती है, लड़की है तो क्या हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही और भी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि नई अपडेट आप तक मिलती रहे। धन्यवाद।